ये हमारी डिश आज का दोपहर का मील रेडी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभय थाना से, और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर फिश जो है, जिसका नाम जीताड़ा। जीताड़ा ये फिश कोस्टल एरिया में मिलता है काफ़ी, उरन, अलीबाग, रोहा, ये रायगढ़ का जो कोस्टल एरिया है वहाँ, और काफ़ी अपना पूरा कॉन्टिनेंटल एरिया जो इसका इंडिया का कोस्टल एरिया है वहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया साइड में भी मिलता है। लेकिन ये जो आज मेरे पास जीताड़ा आया है वो रायगढ़ के अलीबाग से आया है। एक ये 15 से 18 किलो का मछली रही होगी, उसका मेरे पास 1-2 किलो या 1.5 किलो तक का पीस आया है। आज उसका हम फ्राई बनाएंगे। जीताड़ा फिश को बारामुंडी भी बोलते हैं, और इसके बारे में थोड़ी देर पहले आपने पूरा सुना होगा। तो चलो तैयारी करते हैं इसकी, जीताड़ा फ्राई। तो ये है वो जीताड़ा फिश, इसके पीसेस हम कर लेंगे साफ करके। बहुत डेलिकेट और अच्छी है, इसके पीसेस हम फ्राई करेंगे साफ करने के बाद। इसके लिए फ्राई के लिए हमको क्या क्या लगेगा, तो पहले तो पीसा मसाला लगेगा। ये है आगरी कुली मसाला, मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, थोड़ा जीरा है, नींबू रस है। ये चावल का आटा, नमक, ये है हल्दी, ये थोड़ा, ये है अपना हींग, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। तो ये सब मसाले हमको आज लगेंगे। इसके अलावा हमको लगेगा एडिबल ऑयल, जो हम सेंगदाने का तेल, मूंगफली का तेल यूज करेंगे। तो पहले ये जो इंग्रेडिएंट्स है पीसने वाले, मिक्सर में हम पहले पीस लेंगे और बाद में फिर तवा फ्राई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम ये रेसिपी देखने वाले हैं। पहले कर लेते हैं फिश को साफ। ये बहुत ऑयली फिश रहता है, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में वेस्टेज है। स्किन निकाल लेते, स्किन निकाल लिया तो अंदर मटन जैसा रहेगा।
ये मेन बैकबोन है उसका, वो भी निकाल देते हैं। धोने के लिए हम रेडी कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जितड़ा फिश जब पैदा होता है तब वो मेल रहता है और 2 से 7 साल में वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी उसका जो बचा साल है वो फीमेल ही रहता है। ये मछली बहुत स्टडी है, ये सॉल्ट वाटर में रहती है, इस्ट्यूरीज खाड़ी के सेमी सॉल्ट वाटर में रहती है और ऊपर जो इस्ट्यूरीज से ऊपर नदी जाती है उसमें भी जो मीठे पानी में है उसमें भी ये रह सकती है। तो इस तरह से हमारा ये फिश साफ हो गया है, ये कचरा है। तो लो जी, ये हमारा फिश धो के साफ करके हो गया है। अब इसको हम मैरिनेट कर देते हैं मसालों के साथ आधा घंटा के लिए। जीरा, अदरक, नींबू का रस की तरह थोड़ा नमक भी डाल दे इसमें। थोड़ी हल्दी, और वो कोड़ी मसाला, आगरी कोड़ी मसाला लेना। अभी इसको अच्छे से पीस लेते हैं मिक्सर में बारीक फाइन। तो ये हो गया हमारा मसाला मिक्सर में पीस के। ये थोड़ा दरदरा है लेकिन चलेगा क्योंकि हम ये फिश को तवा फ्राई जैसा करने वाले हैं तो इसको लपेटने के लिए चाहिए था ये। तो ये सब मिक्सर में से पीस के हो गया है। अभी हम फिश साफ कर लेते हैं। तो लो जी, हमारी फिश साफ हो गई है, कट गई है, धोके हो गई है। अभी इसको हम मैरिनेट करते हैं आधा घंटा के लिए। ये हमने अदरक, लहसुन, आगरी मसाला, नमक, नींबू का रस, मिर्ची, इसका पेस्ट कर लिया था, वो पेस्ट हम इसमें मिला देते हैं। साथ में थोड़ा आगरी मसाला और डालते हैं क्योंकि फ्राई करने के चटक मटक होना चाहिए। थोड़ा थोड़ी हल्दी और डालते हैं। थोड़ा नमक डालते हैं। धनिया पाउडर,
आखिरी मसाला और यह है चावल का आटा। चावल का आटा भी इसी स्टेज में हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बस अभी इसको हम आधा घंटा मैरिनेट करते हैं, रख देते हैं इसको, और बाद में तवे में शैलो फ्राई करके तल के इसको एज अ स्टार्टर खाएंगे। तो यह था जीताड़ा मासा का स्टार्टर बनने का एक सेकंड स्टेज। जीताड़ा मासा के बारे में बहुत एक प्रीमियम ग्रेड का मछली है और इसके बारे में मैंने शुरू में बताया ही है। तो हमारा जीताड़ा फिश ये स्टार्टर है और उसके साथ आज है फ्राइड राइस। ये हमारा मेन कोर्स है, ये वेज फ्राइड राइस है और ये रुचि ने एक्सक्लूसिवली बनाई है। शी इज़ वेरी कॉन्वर्सेंट विद दिस डिश और बहुत अच्छी है उसकी डिश जो है, उसके सहेलियों को बहुत अच्छी लगती है। हरदम उनका डिमांड रहता है कि ये डिश करके खिलाओ, वेज फ्राइड राइस। और मैं बना रहा हूँ जीताड़ा का स्टार्टर जो आप देख रही है। दोस्तों हमारा जो फिश है जीतड़ा वो 2 घंटा के लिए मैरिनेट हो गया, आधा घंटा करते करते, और अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये साथ में खाने के लिए सैलेड भी रेडी है। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे। ये जो तभी हींग निकले थे वो हींग डालेंगे, और ये जो लहसुन है थोड़ा ठीक से हो गया इसको डालेंगे। उनके जैसे तलने को जी मदद कर रही। चलो फ्राई कंटिन्यू है, इसको एक बार पलट देते हैं। जब फिश के प्रीमियमनेस की हायरकी करते हैं तो पापलेट, ट्रावर्स, सुरमई ये सब आने के बाद उसके भी ऊपर ये जीताड़ा या बारामुंडी जो फिश है वो आती है। किसी के घर गेस्ट आया तो मैंने तभी बताया कि मार्केट में यदि बारामुंडी तो उसको ऑनर करने के लिए या जो बहुत अहम दोस्त है उसके लिए ये फिश लाई जाती है। ये पक रहा है, शैलो फ्राई हो रहा है।
इसको फ्राई करना तो हम ढकेगा नहीं है, तेल में ही पक जाएगी। ये एक ऑयली फिश है, मैं जब इसे साफ करा था तो पूरा मेरा हाथ ऑयल यानी चर्बी से ये हो गया था, चर्बी चर्बी का लेयर आ गया था हाथ के ऊपर ऑयल का। मैं एक बार पलटाया था, अभी दूसरे साइड से भी हो गई है और एक बार पलटाया गया इसको। अच्छे से होना चाहिए तो टेस्ट डेवलप होगी, उसमें टेस्ट आएगी एक शैलो फ्राई की। फिश नियरली तैयार होते ही आई है, ये स्टार्टर है, फिश स्टार्टर। हम इसके साथ चाइनीज वेज फ्राइड राइस खाने वाले हैं। ये आज का हमारा दोपहर का मील होगा, जितड़ा फिश स्टार्टर और वेज फ्राइड राइस। ये हो गया है, इसे अब हम जी तड़ा फिश स्टार्टर, यम्मी। लो जी हमारी डिश आज का दोपहर का मील रेडी है, बॉन एपेटाइट।